एक बार की बात है, एक गांव में राजा हुआ करता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। एक शाम को वह अपने महल में टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ी जो उसके यहाँ कुछ काम कर रहा था बागीचे में। बहुत खुश था और गाने गुनगुना गुनगुना कर अपना काम कर रहा था। यह देखकर वह राजा सोच में पड़ गया कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, इतना बड़ा राज्य है, मैं इस राज्य का राजा हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ और यह एक साधारण सा मजदूर जो मेरे अंडर में काम करता है वह उतना खुश है, ऐसा कैसे? इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए उसने अपने सलाहकार को बुलाया और उसने अपनी समस्या उसको बताई। राजा ने उससे पूछा, वह इतना खुश क्यों है और मैं इतना दुखी क्यों हूँ? तभी सलाहकार कहता है, महाराज आपके प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। एक पोटली में 99 सोने के सिक्के भर दीजिए और आप पोटली को इस नौकर के दरवाजे पर रखवा दीजिए। राजा सलाहकार की बात को मानता है और अपने कुछ सैनिकों को बुलवा कर 99 सोने के सिक्के से भरी एक पोटली उस नौकर के दरवाजे पर रखवा देता है। शाम को जब नौकर काम कर घर वापस लौटता है तो वह देखता है कि उसके दरवाजे पर एक कपड़े की पोटली रखी हुई है। वह उस पोटली को घर के अंदर ले जाता है और उसे खोल कर देखता है तो वह पागल हो जाता है, क्योंकि वह एक बहुत ही गरीब, रोजमर्रा का काम करने वाला गरीब मजदूर आदमी रातों रात अमीर बन चुका था। अब वह मजदूर एक एक करके उन सिक्कों को गिनना शुरू करता है। अंत में उसे पता चलता है कि ये तो 99 सिक्के हैं। उसके मन में विचार आता है, ये 99 सिक्के क्यों हैं? एक सिक्का जरूर कहीं गिर गया होगा। इसी विचार से वह अपने घर के अंदर और बाहर उस एक घूमे हुए सिक्के को खोजना शुरू कर देता है। खोजते खोजते जब वह बहुत थक जाता है तो उसको लगता है कि जरूर मेरे से इन सिक्कों को गिनने में कोई गलती होगी, जरूर ये 100 सिक्के थे, एक सिक्का मैंने गलत गिना है। इसीलिए वह पोटली में रखे हुए सिक्कों को कम से कम 20 से 30 बार गिनता है, लेकिन हर बार वह सिक्के 99 ही निकलते हैं। अब वह मजदूर बहुत परेशान हो चुका था और रात भी काफी हो गई थी, इसीलिए वह पोटली को अपने सिराने रखकर सो जाता है। अब वह काफी परेशान रहने लगा था और सोचने लगा था कि आखिर एक सिक्का गया कहाँ। जब बहुत ढूंढने के बाद भी वह सिक्का नहीं मिलता तो वह मन में एक निश्चय करता है कि मैं अपनी मेहनत के दम पर एक सिक्के को कमाऊंगा। इसके लिए वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगता है, वह अपने पूरे परिवार को काम पर लगा देता है और दिलो दिमाग से उस सिक्के के लिए तत्पर हो जाता है। दिन भर वह उसी के बारे में सोचता है कि किसी भी कीमत पर मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए ताकि मेरे 99 सिक्के 100 हो सके। अब वह नौकर और भी ज्यादा परेशान रहने लगा और वह काम करते वक्त भी खुश नहीं रहता था, क्योंकि अब उसकी खुशी काम में नहीं बल्कि उस एक सोने के सिक्के को कमाने में थी। जब राजा उसको इस हाल में देखता है तो वह दंग रह जाता है और अपने सलाहकार को बुलाकर पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, अचानक इतना हंसता खेलता आदमी इतना दुखी कैसे हो गया। तब उसका सलाहकार कहता है, महाराज यह सब 99 का खेल है, यह मजदूर 99 के फेर में फंस चुका है। अब यह जीवन में कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं रहेगा, क्योंकि इसके मन में लालच और असंतुष्टि पैदा हो गई है। कई सारे लोग यह सोचते हैं कि अगर मैं उस चीज को पा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप 99 चीजों से खुश नहीं तो आप एक उस वस्तु से कभी खुश नहीं हो सकते जिसके लिए आप दिन रात अपने चैन को कहीं खो दिए हैं। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, पूरे की चाहत में यह इंसान बहुत कुछ खोता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि आधा चांद भी कितना खूबसूरत होता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान के अंदर असंतुष्टि पैदा करती है और असंतुष्ट आदमी कभी भी खुश नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आपको क्रिएटिव आई सिनेमा की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम।